इंसान बच्चे की चला ले, मिट्टी भी खा ले, पत्थर भी खा ले, इंसान जिंदा भी खाए, इंसान मीठा खाए, कुछ पता नहीं चलता। अल्लाह ताला की कितनी करोड़ नेमतें इंसानों पर हैं कि अल्लाह ने इंसान को देखने की ताकत दी, बोलने की ताकत दी, सुनने की ताकत दी, चलने फिरने की ताकत दी। अल्लाह अगर ये ताकतें छीन ले तो जिनके पास ये ताकतें नहीं है और जिनके पास ये नेमतें नहीं है, आप उनसे पूछें कि अगर तुम्हें सारी दुनिया की बादशाहत मिल जाए और आंखों की बीनाई छीन ली जाए, या ये कि सारी दुनिया की बादशाहत को छीन लिया जाए और आंखों की बसारत दे दी जाए, तो क्या कहोगे? वो अंधा यही कहेगा, जमीन आसमान के खजाने अल्लाह ले ले, मेरा रब मेरी आंखों की बीनाई वापस कर दे। मेरी माए और बहने, हॉस्पिटलों के अंदर कई मर्द, कई औरतें, कई बड़े छोटे, अमीर गरीब आज तड़प रहे हैं, बिस्तरों पर बिछानों के घोड़े हो चुके हैं, वही सज्जा कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, महीनों हो गए, लेकिन मेरी माए और बहने उन्हें नीम का नामो निशान नहीं है। अल्लाह ने कीमती कमरा दिया, सोने के लिए आराम का बिस्तरा दिया, और वजू कर कुछ कुल वल्ला पढ़कर, कुछ दुआएं पढ़कर, अल्लाहुम्मा बिस्मी का मुतवाहिया पढ़कर सोने के लिए आज हमें मौत आती है। याद करें हॉस्पिटलों के उन बीमारों को जो नींद के लिए तड़पा करते हैं, आज हमारे सामने खाना रखा हुआ है, अल्लाह ताला की नेमतें हैं और कोई परहेज नहीं। हम मीठा खा सकते हैं, खारा खा सकते हैं, खट्टा खा सकते हैं, तेज खा सकते हैं, गोश्त खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं। और एक वो है, आप देखें हॉस्पिटलों के अंदर गले का कैंसर है, डॉक्टर ने मना कर रखा है कि तुम कोई खाना नहीं खा सकते, तो उनके सीने में हलक में चीर कर मेरी माए और बहने यजीर का पानी खतरा खतरा उतारा जा रहा है, ग्लूकोज का पानी और फ्रूट का जूस खतरा खतरा उतारा जा रहा है। आपको उन्हें देख कर क्या इबरत नहीं मिलती? ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि आप मेरे हलक को चीर कर नहीं, मेरे खाने की नली के जरिए से नहीं, ए अल्लाह आज तेरे दस्तरखान पर मुख्तलिफ किस्म की नेमतें हैं और मैं जो चाहे खा सकता हूँ। मेरी माए और बहने खाते वक्त गाने से, बजाने से और गुनाहों के बातों से दूर रहकर बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़कर अल्लाह की तारीफ कर अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, ए अल्लाह तेरी तारीफ है, तेरा शुक्रिया है, क्या हम नहीं कर सकते हैं? कितने हैं जो दानों दानों के लिए तरसते हैं, हाथ में बर्तन लेकर और हाथ में कटोरा लेकर मेरी माए और बहने नालियों के पास और कट्टियों के पास जहाँ कचरा फेंका जाता है एक रोटी का टुकड़ा तलाश करते हैं कि रोटी का टुकड़ा मिल जाए और उसे साफ कर आग का गुजारा कर ले। अल्लाह का शुक्र है, हमने खेती बाड़ी नहीं की, हमने अनाज गल्ले को उगाया नहीं। अल्लाह तबारक ताला बगैर मेहनत के दस्तरखान पर हजारों किस्म के नेमतों को रख दिया, कोई परहेज नहीं रखा। अल्लाह का नाम लेकर खाने में कौन सी मुसीबत आती है? आज शिकवा है दस्तरखान पर बैठ कर कि आज वो गोश्त नहीं पका, आज जो है फुलां घर की तरह खाना नहीं, ये भी कोई खाना है जानवरों की तरह। मेरी माए और बहने, अल्लाह ताला खुदा ना करे हमें वो नौबत दे दे कि हलक फाड़ कर जमीन का पानी डाला जाना लगे, हाथ में कटोरा देकर रोटी रोटी के लिए दर दर की भीख मांगने लगे। वही तो अल्लाह है जो मेरी माए और बहने उन इंसानों को भी बनाने वाला है, वही अल्लाह है जो इंसान को मरीज बनाकर कोने पर लिटाने वाला है, वही अल्लाह है जो हमें भी यहाँ पर आराम से बैठकर रोजी देने वाला है। क्या हम अल्लाह ताला का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते? ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि आज हमें तुम्हें भीख मांगने वाला नहीं बनाया, मरीज नहीं बनाया, बीमार नहीं बनाया। आप ये ना समझे कि बीमारी जो है वो किसी को नहीं आएगी। हॉस्पिटलों के अंदर जाकर देखे हजारों लाखों लोग अमीर हैं, करोड़पति हैं और उनके तिजोरों के अंदर रुपया पैसा बड़ा पड़ा है और उनके जखीरों के अंदर अनाज और गल्ला रखा हुआ है, लेकिन डॉक्टर कहता है एक जो है मुट्ठी चावल चबा कर नहीं खा सकते, गेहूँ नहीं खा सकते, रोटी नहीं खा सकते, पका हुआ खाना नहीं खा सकते, तुम्हें ग्लूकोज के जरिए से तुम्हारी रगों को फाड़ कर रोटी पहुँचाई जाएगी। मेरी माए और बहने, कितने लोग हैं जो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं और जाने जाने को और घर के पकवान को तरस रहे हैं, और कितने लोग हैं कि अपने सर को छुपाने के लिए साए को तड़प रहे हैं।
और कितने लोग हैं जो अपने तन को छुपाने के लिए कपड़े को तरस रहे हैं। एक जोड़ा है वही खट्टा है, वही आम पर सीते हैं और उसी पर गुजारा करते हैं और उसी आम पर गुसल करते हैं, उसको धो लेते हैं। अल्लाह का फजल है, कई जोड़े हमारे पास हैं, हमें सर छुपाने के लिए आसरा मौजूद है। हमारे भाई हैं, हमारे बहने हैं, हमारे घर के अंदर मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, अल्लाह ताला आराम से रोजी दे रहा है। लेकिन इंसानों की फितरत ये है कि इंसान, मेरी माए और बहने, नाशुक्री करते हैं इंसान और अपने से ऊंचों को देख कर अल्लाह ताला का शिकवा करते हैं। होना तो ये चाहिए कि दुनिया के मामले में इंसान अपने से नीचे को देखे और दीन के मामले में अपने से ऊपर को देखे, लेकिन उल्टा हो गया। माया मतलब दीन के मामले में यहाँ अपने से नीचे को देखकर, अरे भाई तो चलो कल नमाज तो पढ़ लेती हूँ, कम से कम की सवा में मेरी शिरकत हो जाती है। लेकिन बुरा खातून है कि 24 घंटे हाथ में रिमोट दबाए वो टीवी के सामने बैठी रहती है, और बुरा खातून है वो इस तरीके से नमाज भी नहीं पढ़ती। मेरी माए और बहने, हमें दीन के मामले में नीचे नहीं देखना चाहिए, दीन के मामले में अपने से ऊंची औरत को, ऊंचे मर्दों को देखना चाहिए। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा कहती थी और हजरत रामिया बकरिया कहती थी, और वो औरत कौन थी जो कलाम पाक की जुबान के अंदर बात किया करती थी, कभी वो दुनिया की बात अपनी जुबान से नहीं निकाला करती थी। अगर बात करना हो तो कलाम पाक से बात करती, उसे पूछा जाता कहाँ जा रही हो तो कलाम पाक पढ़ती, सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौला, के वो समझ जाता ये शाम की तरफ जा रही है, बैतुल मक़द्दिस की तरफ जा रही है, बोलने वाला समझ जाता। और जब उसको कहा जाता कुछ खाने पीने के लिए, इन्नी नजर तो रहमानी शौमा, तो साफ कह देती कि आज मैंने जो है नजर की है, मन्नत मांगी है रोजा रखने के लिए। नाम पूछा जाता बच्चों का तो कहती इब्राहिम व इसहाक, इब्राहिम इसहाक अलैहिस्सलाम का नाम कुरान करीम से लेती। कहाँ थी वो औरतें, कहाँ गई वो औरतें जो कलाम पाक से जुबान से बात किया करती थी, अपने सफर का माजरा सुनाया करती थी, अपने दिल का उकड़ा सुनाया करती थी। कहाँ है वो औरतें कि जो दिन के अंदर नफली रोजा रखा करती थी, रात के अंदर क़याम किया करती थी, और जिंदगी में कभी उन्होंने खता नहीं की और जिंदगी में कभी उन्होंने कोई गुनाह का काम नहीं किया। कहाँ गई वो औरतें कि जिनके ख्वाब में काबा आकर उनकी ज़ियारत किया करता था, सारी दुनिया के लोग काबे की ज़ियारत को जाते थे लेकिन काबा उनकी ज़ियारत को आता था। आज हमें हौसला बनाना चाहिए कि हम भी ऐसी औरत बने कि हम दिन में रोजे रखे, रात में क़याम करें। आज हम उल्टा मामला करते हैं, अब तक जिद्दी वाली औरतों को देखकर कि फला औरत नमाज नहीं पढ़ती हम तो पढ़ रहे हैं, फला औरत रोजा नहीं रखती हम तो रोजा रख रही हैं, फला औरत बुरका नहीं पहनती हम तो पहन रही हैं, फला औरत टीवी देखने वाली हम इन तमाम में शिरकत कर रही हैं। ये समझकर अपने आप को जन्नती समझ लिया जाता है, एक धोखा है। मेरी माए और बहने, हमें दीन के मामले में ऊंचे लोगों को देखना चाहिए और दुनिया के मामले में अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए। हमने मामला उल्टा कर लिया, दीन के मामले में हमने नीचे लोगों को देखा और दुनिया के मामले में ऊंचे लोगों को देखा कि भाई हमारे पास है ही क्या, हमारे शहर के पास तो स्कूटर है और गुनाहगर के अंदर तो इतनी कारें खड़ी हुई है और फला घर के अंदर जो है एसी लगा हुआ है और फला घर के अंदर लाखों का करोड़ों का माल है और बैंकों के अंदर खाता है। हम ये देख देखकर सारी जिंदगी गम के अंदर बिगड़ते चले जाते हैं। दुनिया के मामले में अपने से नीचे को देखना चाहिए। हजरत सैयदना शेख साजी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकिया लिखा है कि एक साहब जो है ये दुआ करने के लिए कि या अल्लाह मैं जब गर्मियों के अंदर चलता हूँ, मेरे पैर के अंदर गरम गरम रेत के दर्रे चुभते हैं और गरम गरम बालू चुभती है और मेरे पैरों को तकलीफ होती है, मांगना तो अल्लाह ही से है, तो लिहाजा मांगने के गर्ज से और सलातुल हाजत पढ़ने के लिए और दुआ करने के लिए जब मस्जिद जाने लगे तो देखा कि मस्जिद के दर पर एक फकीर है और वो बेसाखी लेकर लंगड़ा है और लंगड़ियों के सहारे चलता है। तो जब हजरत ये दुआ करने के लिए चाह रहे थे कि अपने पैर के लिए खुदा चप्पल दे दे, लेकिन जब उस आदमी को देखा कि उसके पैर ही नहीं है और बेसाखी से चल रहा है, तो अल्लाह
अल्लाह के दरबार में जाकर वो माफी मांगते हैं, वाला माफ करना, मैं आज चप्पल की दुआ करने के लिए आया था। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पैर ही नहीं है चप्पल, तो दूर की बात है। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे कम से कम पैर को इनायत किए हैं। तो दुनिया के मामले में अपने से नीचे लोगों को देखेंगे, हमारा जीना आसान होगा, हम शुक्र की जिंदगी गुजारेंगे, हम जिनात की जिंदगी गुजारेंगे, हम राहत की जिंदगी गुजारेंगे। और दुनिया के मामले में अपने से ऊंचे लोगों को देखेंगे तो बड़ी परेशानी होगी, इसलिए कि एक से बढ़कर एक है दुनिया में, और दुनिया की दौलत कहीं खत्म होने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी से कोई ऊंचा है। अगर हमारे पास एक गाड़ी है तो किसी के पास दो गाड़ियां हैं, हमारे पास एक बंगला है किसी के पास दो बंगले हैं, हमारे पास चार बंगले हैं तो किसी के पास अमेरिका में बंगला है, अगर हमारे पास अमेरिका में बंगला है तो किसी के पास अपना हवाई जहाज है। कहां तक कोई इसका मुकाबला करेगा? इस फिरौनियत की कोई हद नहीं है, इस संदूक और इंसानियत की कोई हद नहीं है। इसलिए मेरी माए और बहने, दुनिया के मामले में अपने से कमतर लोगों को देखें, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। ऐ अल्लाह एक जरा अंतरी गुर्जे में पैदा हो जाए, ऐ अल्लाह दिल की रगों में, गिरियानों में और दिल के बाल में, ऐ अल्लाह जरा का विलाप हो जाए। आदमी कहीं का कहीं जाकर भटका जाता है, हौन घर का होने लगता है और गोश्त नहीं खा पाता, फुला फुला चीजों से उसे परहेज करना पड़ता है। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, आज जो चाहे हम खा रहे हैं पी रहे हैं, ऐ अल्लाह मरते दम तक तेरा शुक्रिया अदा नहीं होगा। ऐ अल्लाह आज हमारे जिस्म को छुपाने के लिए तूने कपड़ा दे रखा है, ऐ अल्लाह हमारे सरों को आसरा दे रखा है, ऐ अल्लाह वो भाई बहन दे रखे हैं जिनके दिलों में हमारी मोहब्बत है, वो शौहर दे रखा है जिसके दिल में हमारा दर्द है, वो माँ बाप दे रखे हैं जिनके दिल में हमारी शफ़क़त और मोहब्बत है, ये शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, लेकिन अगर तुम लाजी धंधा को अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे और मैं दूंगा बोला इन कफर तुम इतना आजादी लदी, और अगर तुम नाशुक्री करोगे, अल्लाह ताला ने वार्निंग दी, अल्लाह ताला ने खतरे की घंटी बजाई, इतना आजादी लदी, याद रखो लोगो मेरा जो अजाब होगा बड़ा खतरनाक होगा, बड़ा सख्तरीन होगा। इसलिए मेरी माए और बहने शुक्र की और सब्र की जिंदगी गुजारने की आदत डालें, हर नेमत पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, बच्चों के अंदर माहौल पैदा करें कि बच्चे को कोई चॉकलेट दे, बच्चे को कोई रुपया, दो रुपया, दस रुपया, पाँच पचास रुपया अपनी हैसियत के मुताबिक दें, तो बच्चों के अंदर माहौल बनाएं, वो शुक्रिया अदा करें, जज़ाकल्लाहु खैरा कहें और उनके अंदर अल्लाह ताला की नेमत की कदरदानी पैदा हो, ये शुरू ही से उनकी तरबियत की जाए और शुरू ही से इसका उनको आदि बनाया जाए। ये कब होगा? जब घर के माँ बाप इसके आदि होंगे और घर के माँ बाप इस रास्ते पर चलने वाले होंगे। जब माँ बाप ना शुक्रे होंगे और पानी पानी और दाने दाने के मोहताज बनकर फकीरों जैसी और भीख मंगों जैसी जिंदगी गुजारेंगे तो औलाद भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेगी। इसलिए औलाद को सही रास्ते पर लाने के लिए माँ बाप को अपनी इत्तला करनी होगी, माँ बाप को अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालनी होगी, माँ बाप के दिल में आखिरत की अजमत को पैदा करना होगा और जन्नत की तलब को पैदा करना होगा। मेरी माए और बहने ये चीज अगर पैदा हो जाएगी, जिंदगी के अंदर सुकून पैदा हो जाएगा, जिंदगी के अंदर इत्मीनान पैदा हो जाएगा, जिंदगी के अंदर राहत पैदा हो जाएगी। वरना दुनिया भर की दौलत मिल जाए, कारून का खजाना मिल जाए, फिरौन की सल्तनत मिल जाए, सच्चात की जन्नत मिल जाए और दुनिया और आखिरत के खजाने मिल जाए, मेरी माए और बहने हाय हाय की जिंदगी जो जहन्नम हलमिन मजीद कहेगी, वही ये दुनिया का पेट हलमिन मजीद जैसा रहेगा। और ये कैसे कैसे मलकुल मौत आप पहुँचेंगे और कब्र के अंदर चले जाएंगे और दुनिया दुनिया के अंदर रह जाएगी, मकान अपनी जगह रह जाएगा, साड़ियों का गट्टा अपनी जगह रह जाएगा, अलमारी में रखे जेवर अपनी जगह रह जाएंगे, व्यायाम के लाकर के अंदर रखा हुआ बाल अपनी जगह पर रह जाएगा, कोई चीज इंसान के काम आने वाली नहीं, कोई चीज इंसान को साथ देने वाली नहीं। दुनिया में अगर अमन चाहिए और दुनिया में सुकून चाहिए तो यही सबसे बड़ा कीमती फार्मूला है सबर का और शुक्र का, कि जो भी मिले अल्लाह का शुक्रिया अदा करे और न मिलने पर सबर वाली जिंदगी गुजारे, तो इंशाल्लाह जिंदगी के अंदर
पैदा हो जाएगा, जिंदगी के अंदर राहत पैदा हो जाएगी और जिंदगी के अंदर सुकून पैदा हो जाएगा। वरना मेरी माँ और बहने, एक मुल्क मिलने के बाद दूसरे मुल्क की हवस पैदा होगी और दूसरा मुल्क मिलने के बाद तीसरे मुल्क की हवस पैदा होगी। हदीस पाक में सरवर कौनैन आकाए दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी दुनिया के इंसान को एक वादी भरकर मान दे दिया जाए तो दूसरी वादी की तमन्ना करेगा। यानी ये दुनिया का पेट कभी भरने वाला नहीं है, ये इंसान की ख्वाहिशात को सिर्फ जो है कब्र की मिट्टी उसका मुंह बंद कर सकती है। कलाम पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अल्लाहुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मआनी कल्ला सौफ तअलमून थुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। तुम्हें हासिल कर रखा है माल की हवस ने और माल की ज्यादती ने, क्या और माल चाहिए और दौलत चाहिए और रुपया चाहिए और पैसा चाहिए। अल्लाहुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मआनी, फिर अल्लाह का कुरान कहता है कि यहाँ तक के तुम कब्रों की जा मिलोगे, कब्रों की ज़ियारत करने लगोगे और खबर में जाने तक तुम्हारा यही फतवा रहेगा, तुम्हारा यही नारा रहेगा, तुम्हारा यही कलीमा रहेगा और तुम दो रोटी से ज्यादा नहीं खा सकते। नहीं माए और बहने, जो अमीर है और जो करोड़पति है क्या वो 40 रोटी खा लेगा, क्या वो एक चांद पानी पी लेगा? ये सब बाहर की चीजें हैं। इंसान को जितना लगना है उतना ही लगेगा, जितना खाना जाना है उतना ही खाना जाएगा, जितना कपड़ा उसके जिस्म को लगना है उतना ही कपड़ा लगेगा और जितनी जगह जमीन को लगनी है उतनी ही जगह लगेगी। मेरी माए और बहने, सिर्फ जो है ये आँखों का धोखा है कि दुनिया में कोई महल है और कोई झोपड़ी है, कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई दाखिल मकान में है कोई किराए के मकान में है, ये सब आँखों का धोखा है। असल वो है जो इंसान खाता है पहनता है रहता है सहता है वो उतना ही दुनिया है। इसमें सारी दुनिया के लोग बराबर हैं, बराबर हैं, बादशाह भी अमीर भी गरीब भी हाकिम भी महकूम भी मर्द भी औरत भी इतना ही खा सकते हैं जितना वो खा सके। अमीर होने की वजह से ज्यादा कोई खा नहीं सकता, गरीब होने की वजह से कोई कम नहीं खा सकता। सबको अल्लाह बराबर रोजी दे रहे हैं, वो कीड़े मकोड़ों को दे रहे हैं, वो समंदर की मखलूक को दे रहे हैं, वो आसमान के परिश्तों को पाल रहे हैं, वो जन्नत और दोजख को पैदा करने वाले हैं, वो जमीन और आसमान को पैदा करने वाले हैं। तो क्या इंसान को अल्लाह ताला एक वक्त की रोटी नहीं दे सकते, दो मुट्ठी चावल नहीं दे सकते, एक घूंट पानी नहीं दे सकते? मेरी माँ और बहने अल्लाह ताला देने पर कादिर है, लेकिन इंसान हिर्स के अंदर हवस के अंदर लगकर और दुनिया की ज्यादती के अंदर लगकर आखिरत से गाफिल हो चुका है और आखिरत को भुला बैठा है। इसलिए मेरी माँ और बहने सहाबा किराम के वाकियात को पढ़ें कि सहाबा किराम कैसी फख्र पाते की जिंदगी गुजार कर चले गए और कैसी संगति की जिंदगी गुजार कर चले गए। क्या अगर वो चाहते दुनिया के पीछे बढ़कर दुनिया नहीं कमा सकते थे? क्या उनके पास माल नहीं आ सकता था? आया भी माल, लेकिन बाद में माल आता दिन के अंदर वो खर्च कर देते थे। एक वक्त ऐसा भी होता कि इनके तिजारत का काफिला मदीने मुनव्वरा से शुरू होकर मदीने मुनव्वरा की सरहद तक होता था, लेकिन बांटते सुबह तक उसको खत्म कर देते थे। कभी ऐसा होता कि दुनिया भर का आता लेकिन खुद इफ्तारी के लिए एक मुट्ठी खाना मौजूद नहीं रहता, एक रोटी का टुकड़ा मौजूद नहीं रहता। तो फिर बागी से पूछा जाता क्या इफ्तारी के लिए कुछ है? तो बागी कहती नहीं आका, नहीं ऐसा, आपके हुक्म से सबको सत्ता कर दिया गया, क्या तुझे मालूम नहीं मैं रोजे से थी? तो कहती है नहीं मालूम था। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोजे से हैं और दिन में तमाम चीजों को सफा कर दिया गया, हैरान कर दिया गया। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो जन्नती औरतों के सरदार हैं, घर के अंदर संगति है, घर के अंदर फख्र फाखा है, घर में कभी चूल्हा जलता है कभी नहीं जलता, कभी हसन हुसैन भूख के लिए तड़पते हैं कभी हसन हुसैन भूख के लिए बिलबिलाते हैं, लेकिन ये जन्नती औरतों के सरदार और रसूलुल्लाह सल्लम की नूर नजर, रसूलुल्लाह सल्लम की लफ्ज़ जिगर, रसूलुल्लाह सल्लम के दिल का टुकड़ा, घर के अंदर चूल्हा नहीं जल रहा है। मेरी माए और बहने यही तमाम सहाबा किराम की हालत है। हजरत खब्बाब इब्न अस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालत पढ़ें, हजरत
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نام انہوں کی حالت پڑے، حضرت سمیہ، حضرت زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ نما کی حالت کا مطالعہ کرے، صحابہ اکرام کے واقعات کو پڑھے، کیا آپ اسٹوریاں دیکھتے ہیں، کیا آپ ناٹک دیکھتے ہیں، کیا آپ گانا بجانا سنتے ہیں، اٹھائیے دیکھیے ان جھوٹے واقعات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے واقعات کو پڑھیے، ان کے صحابہ کرام کی سچی داستانوں کو پڑھیے اور دوسروں کو سنائیے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں کیسی تھی، ان کا دنیا سے تعلق کیسا تھا، ان کا نماز کے اندر رونا اور تڑپنا کیسا تھا، اور ان کے اندر جہاد کا جذبہ کیسے تھا، اور ان کا دنیا سے تعلق کیسے تھا۔ آج میری مائیں اور بہنیں ان بلڈنگوں کو دیکھ کر، ان عمارتوں کو دیکھ کر بتائے یہ سمجھ میں آتا ہے گویا یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے، لیکن میری مائیں اور بہنیں تاریخ بتاتی ہے جس سے قیمتی عمارت ہے، جس سے مضبوط عمارت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں بسنے والوں کو اس بحثی سے مٹا دیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ۔ اللہ کہتے ہیں کہ قوم ثمود نے تراش کر پہاڑوں کے اندر محل بنائے تھے، وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو بڑی بڑی نیموں والا، بڑی بڑی تخت والا، سلطنت والا، وہ فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں کے اندر طغیانی اور شہروں کے اندر اللہ کی نافرمانی کو عام کر رکھا تھا، فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے فساد کو عام کر رکھا تھا، فصب علیہم ربک سوط عذاب، تیرے رب کے عذاب کا کوڑے نے اور تیرے رب کے عذاب کی مار نے ان تمام کو ناتمام کر دیا، ان تمام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ جیسے میری مائیں اور بہنیں گھر کے اندر مکڑی کا جالا رہتا ہے، ایک کمزور بچہ اپنی جھاڑو کے کٹے سے اس جالے کو مٹا سکتا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے دوسروں کو اپنا کارساز سمجھا، اللہ کی طاقت اور قوت کے مقابلے میں عمارتوں پر اور تخت پر اور ملک اور ملکوتیت پر جنہوں نے بھروسہ کیا اور جنہوں نے اعتماد کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری طاقت کے مقابلے میں، میری قوت کے مقابلے میں یہ بڑی بڑی عمارتیں، یہ بڑی بڑی طاقتیں مکڑی کے جالے کے برابر ہیں۔ جیسے مکڑی کا جالا ایک جھاڑو کے پھیر سے ختم ہو جاتا ہے، میری مائیں اور بہنیں حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک سور اونچے لیے امریکہ تباہ ہو جائے گا، رشیا تباہ ہو جائے گا، جاپان تباہ ہو جائے گا، چائنا تباہ ہو جائے گا، ملٹری ختم ہو جائے گی، پولیس ختم ہو جائے گی، ایک پھونک میں کتنی طاقت رکھی ہے کہ ساری دنیا کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری دنیا، یہ امریکہ، یہ رشیا جو اپنے آپ کو فرعون سمجھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو جھوٹا خدا سمجھے ہوئے ہیں، ان کی طاقت اور ان کی قوت اللہ کی قوت کے سامنے مکڑی کے جانے کے بھی برابر نہیں ہے۔ سب کو پناہ ہے، کل من علیہا فان، ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تمام چیزیں پناہ ہونے والی ہیں، رب کی ذات باقی رہنے والی ہے، رب کا نام باقی رہنے والا ہے، رب کا قرآن باقی رہنے والا ہے، اور رب کو ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا ان کے نام و نشان کو۔ حضرت موسیٰ آئے چلے گئے، لیکن آج حضرت موسیٰ علیہ السلام و سلام کا نام زندہ ہے، حضرت عیسیٰ آئے چلے گئے لیکن حضرت عیسیٰ کا نام زندہ ہے، حضرت نوح آئے چلے گئے لیکن حضرت نوح کا نام زندہ ہے۔ آج فرعون کو کون یاد کرتا ہے؟ کون اپنے بچے کا نام فرعون رکھتا ہے؟ کون اپنے بچے کا نام شداد رکھتا ہے؟ کون اپنے بچے کا نام حامان رکھتا ہے؟ کون اپنے بچے کا نام قارون رکھتا ہے؟ ہزاروں موسیٰ کے نام والے اس دنیا میں مل جائیں گے، ہزاروں عیسیٰ کے نام والے اس دنیا میں مل جائیں گے، ہزاروں آدم کے نام والے اس دنیا کے اندر مل جائیں گے، ہزاروں عائشہ کے نام والے اس دنیا کے اندر مل جائیں گے، ہزاروں سمیہ، اسماء، زینب، قتیجہ کے نام والے اس دنیا کے اندر مل جائیں گے، لیکن دنیا کے اندر جنہوں نے اکڑ کو دکھائی اور خدائی کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلیٰ کہا، پوری دنیا نے مشرق سے لے کر مغرب تک
शिमाल से लेकर जुनूब तक एक फर्द नहीं दिखा सकते कि जिससे अपना नाम फिरौन रखा हो, जिसने अपना नाम हारून रखा हो, शद्दाद रखा हो, आमान रखा हो, उनके जाने के साथ अल्लाह ने उनके नाम और निशानों को खत्म कर दिया। कलामे पाक में अल्लाह ने तक फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको हौज़े कौसर इनायत किया है, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, आप इसके इकराने में नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दुश्मन आपका नाम और निशान खत्म करना चाहते हैं, आपको सब हस्ती से खत्म करना चाहते हैं, आपके मानने वालों को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन रब कहता है इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, अल्लाह तुम्हारे नाम दुश्मनों के नाम और निशान को खत्म कर देगा। आज अबू जहल को कौन जानता है, आज अबू जहल को कौन जानता है, आज उत्बा को कौन जानता है, आज ईवा को कौन जानता है, क्या पहचान है? सिर्फ अगर लोग याद करते हैं, बुराई से याद करते हैं। आज भी मेरी माए और बहने सतावरवा के पास एक बैतुल खला है और कहा जाता है ये बैतुल खला वही मकाम है कि जब कभी किसी जमाने में अबू जहल का मकाम उस जगह पर रहा करता था। आज लाखों हाजी उस घर पर पेशाब कर रहे हैं, उस घर पर पाखाना कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं। अल्लाह ने दुनिया में दिखा दिया वो अबू जहल जो अपने आप को अबुल हकम कहता था, अपने आप को दुनिया का बादशाह कहता था, अपने आप को सुपर पावर ताकत कहता था, अल्लाह ने बता दिया कि आज सफा मरवा पर सही करने वाले, आज काबे में जियारत करने वाले, आज मक्का आने वाले तेरे घर के ऊपर रोनेंगे, तेरे घर के ऊपर पेशाब करेंगे, पाखाना करेंगे। और जिस मकाम पर बीवी हाजिरा ने दौड़ लगाई, अल्लाह ने वो मकाम को जिंदा रखा और दुनिया वालों के सामने बताया एक बंदी ने मेरे खातिर अपने मामीन को छोड़ा, अपनी औलाद को छोड़ा, अपने मुल्क को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, तो कहा आजी तेरा हज मुकम्मल नहीं होगा। जिस तरीके से मेरी नेक बंदी बीवी हाजिरा ने सफा मरवा के दरमियान दौड़ लगाई, ऐसे दौड़ जब तक तू नहीं लगाएगा तेरा हज मुकम्मल नहीं होगा। तू वक्त का वली क्यों ना हो, तू वक्त का शेख क्यों ना हो, तू वक्त का आरी बिल्ला क्यों ना हो, तू वक्त का फकीर क्यों ना हो, तू वक्त का अब्दाल क्यों ना हो, लेकिन बीवी हाजिरा की तरह नहीं चलेगा, तेरा मेरे काबे के पास आना कबूल नहीं है। मेरी माए और बहने बीवी हाजिरा के चलने की याद को जिंदा रखा और अबू जहल के घर को पेशाब खाने में बदल दिया, अबू जहल के घर को पाखाने के अंदर बदल दिया। कौन है वो जात जो अबू जहल के घर को बैतुल खला में बदलने वाली, कौन है वो जात जिसने बीवी हाजिरा के कदम के निशानात को बाकी रखने वाली और हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के निशानों को याद रखने वाली और उनके जो है बाकियात की हिफाजत कराने वाली, यही अल्लाह तबारक तआला की शान है। इसलिए मेरी माए और बहने अमन चाहिए जिंदगी में, सुकून चाहिए जिंदगी में, राहत चाहिए जिंदगी में, माल की तरफ मत भागिए, दौलत की तरफ मत भागिए, इमारत और गोली की तरफ मत जाइए, आइए अल्लाह के कुरान की तरफ, आइए अल्लाह के जिक्र की तरफ, आइए दीनी इस्तेमाल की तरफ जहाँ दीन की बातें होती हैं, कुरान पढ़ा जाता है, कुरान सुना जाता है, नई बातें बयान की जाती हैं। मैंने आपको पिछले हफ्ते एक वाकया बयान किया था हजरत इब्राहिम इब्ने अज़हर रहमतुल्लाह अलैह, कोई बेवकूफ थोड़ी ना आदमी थे, अकलमंद आदमी थे, वक्त की बादशाहत को टुकरा दिया और फकीरी को अपना लिया। बादशाहत में अमन मिल सकता था, बादशाहत में सुकून मिल सकता था, बादशाहत में राहत मिल सकती थी, हजरत इब्राहिम इब्ने अज़हर रहमतुल्लाह अलैह बादशाहत को हर चीज नहीं टुकराते, लेकिन उन्होंने यही समझा कि बादशाहत के मुकाबले में फकीरी के अंदर अमन मिलने वाला है, राहत मिलने वाली है, सुकून मिलने वाला है, इसलिए हजरत इब्राहिम इब्ने अज़हर रहमतुल्लाह अलैह बादशाहत की गद्दी को छोड़ दिया, फकीराना जिंदगी को अपना लिया। तो चुनाते एक दिन समंदर के किनारे बैठकर अपनी रगड़ी घुसती रहे थे, पेमन लगा रहे थे, एक वजीर जो उनके जमाने का बहुत बड़ा वजीर था और अब हजरत इब्राहिम इब्ने अज़हर के बाद ये हुकूमत का बहुत बड़ा वजीर बन गया और बहुत बड़ा जो है ओहदे पर फाइल होने वाला बन गया। उसने हजरत इब्राहिम इब्ने अज़हर से कहा, अरे इब्राहिम क्या हो गया तुम्हें बादशाहत के तख्त ताज को छोड़कर
فقیرانہ زندگی کو اپنا لیے ہو. حضرت ابراہیم ابن اعظم نے فرمایا کہ نہیں, مجھے اس زندگی میں سکون مل رہا ہے, راحت مل رہی ہے اس بادشاہت سے, اس دولت سے, اس مال سے, اس خزانے سے. یہ زندگی مجھے امن کی لگ رہی ہے, جس میں میں اللہ اللہ کر سکوں, جس میں میں قرآن پڑھ سکوں, جس میں میں نبی کے طریقے کو اپنا سکوں. اس کے بعد وہ وزیر نے کہا, کتنے بڑے بیوقوف ہو تم کہ بادشاہوں کو ٹکرا کر تم جو ہے غریبی کی زندگی کو اپنا رہے ہو. حضرت ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ جس زمین سے جو ہے سوئی سے گلی پی رہے تھے, جب تاغے سے نکالا اور سمندر کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ تم کہتے ہو تمہاری بادشاہت بڑی طاقتور ہے, کام کرو تم اپنی فوج کو لا کر, اپنے پولیس والوں کو لا کر, اپنے خفیہ محکمے کو لا کر, اپنے سی او ڈی کو لا کر, اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کو لا کر, میری جو سوئی سمندر کے اندر گری ہے اس کو نکال کر دو. وزیر تانا دینے لگا, ارے اب تک تو میں یہی سمجھا تھا کہ اللہ نے تم سے بادشاہت کو چھین لیا, دولت کو چھین لیا, اب تو تمہاری عقل بھی چلی گئی کہ تم ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کر وقت کی فوج سے کہہ رہے ہو اور ملٹری سے کہہ رہے ہو اس کو نکالو, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, اے سمندر کے مچھلیوں سوئی لا کر دے دو. اتنا کہنا تھا سمندر کی جتنی قرب دوار کی مچھلیاں تھی تمام اپنے منہ کے اندر ایک ایک سونے کی سوئی لا کر حضرت ابراہیم ابن اعظم کے قریب آ گئی. تو حضرت ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, اے وزیر یہ بتا کہ کل کی وہ بادشاہت جس پر میں انسانوں پر حکومت نہیں کر سکتا تھا, بتا وہ حکومت بہتر ہے یا یہ فقیر کہ جس کے اندر سمندر کی مچھلیاں بھی میری بات سن رہی ہیں. تو وہ جو وزیر تھا حق کا وقت رہ گیا, کہا جہاں بنا آپ اللہ والے ہیں, یقیناً میں آپ کی حکومت کی طاقت کو تسلیم کر لیا, آپ کی بزرگی کی قوت کو تسلیم کر لیا. اتنا کہنا تھا حضرت ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان مچھلیوں سے کہا, اے مچھلیوں میں نے اپنی سوئی کو مانگا تھا, تمہیں کیا ضرورت تھی سونے کی سوئی لانے کی, جاؤ تم اپنی اپنی جگہ میں واپس چلے جاؤ. تمام مچھلیاں واپس چلی گئیں. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو علیہ نے ایک مچھلی کو کہا, میری سوئی ڈھونڈ کر لاؤ. وہ مچھلی سمندر سے سوئی ڈھونڈ کر لائی تو آپ نے اس کو اٹھا لیا اور بتلا دیا کہ آخرت کی طرف سے حالت فقیری میں جو نعمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ بہتر ہیں کہ دنیا کی امیری اور بادشاہت میں خدا کی رحمت سے مایوس ہو کر اور خدا کی رحمت سے دور ہو کر کوئی زندگی گزارے. اس لیے میری مائیں اور بہنیں دنیا کے پیچھے پڑ کر, دنیا کے طرف گار بن کر دنیا میں سکون تلاش کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے, بہت بڑی حماقت ہے, بہت بڑی ناداری ہے. ہمیں جو سکون ملے گا قرآن کے پاروں میں ملے گا, ہمیں جو اطمینان ملے گا رب کے حضور سجدہ کرنے میں ملے گا, ہمیں جو راحت ملے گی اللہ اللہ کرنے میں ملے گی, اسے چھوڑ کر کہیں جائیں گے پریشانیاں پریشانیاں ملیں گی. اس لیے میری مائیں اور بہنیں دنیا کی طرف دوڑنے کے بجائے آخرت کی طرف دوڑ کر آئے, امریکہ رشیا کی طرف دوڑنے کے بجائے مکہ مدینہ کی طرف دوڑ کر چلے آئے, اور دنیا کی زیب و زینت کی طرف جانے کے بجائے میرے رب کی بنائی ہوئی جنت کی طرف آئے. اس میں بہت کچھ ملے گا اور اس میں بہت آرام ہے اور اس میں بہت راحت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکالے, اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے آخرت کا اطمینان نصیب فرمائے اور دنیا کی راحت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.